मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है गति एवं समय। तो हम जानेंगे कि गति क्या होता है। जब किसी भी वस्तु की पोजीशन एक प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है, हम उसे गति कहते हैं। जैसे कि कोई कार है, वो रोड पर चल रही है, डैट मीन्स वो गति कर रही है। हम अगर कहीं चल रहे हैं, हम गति कर रहे हैं। इस प्रकार गतियों के भी बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि सरल रेखा के अनुदिश गति। अगर हम सीधी लाइन में चल रहे हैं तो वो इस तरह की गति होगी। वृत्ताकार गति, आवर्ती गति। तो इसमें हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति और लोलक की गति। तो ये अलग अलग प्रकार की गतियां हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ये जानेंगे कि मंद गति क्या होती है और तीव्र गति क्या होती है। आप लोग सड़क पर, रोड पर देख सकते हैं, कुछ व्हीकल्स जैसे जा रहे होते हैं, वाहन जा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्कूटर की या बाइक की जो गति होती है वो कम होती है, मतलब उसकी मंद गति होती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम कार की देखें तो वो तीव्र गति होती है। या फिर हम कंपैरिजन करें, अगर हम साइकिल से जा रहे हैं और कोई दूसरा पर्सन अगर पैदल जा रहा है, तो किसकी गति तीव्र है और किसकी गति मंद है। तीव्र गति मतलब अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं, और मंद गति अगर आप पैदल जा रहे हैं। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस वस्तु की कौन सी मतलब गति तीव्र है या मंद। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन। इसमें आपको एक रोड दिखाई गई है जिसमें कुछ वाहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, और दूसरे पिक्चर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम इस पिक्चर को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन से वाहन तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन से वाहन मंद गति से जा रहे हैं। तो हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर चाल। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। कि एक वस्तु एक समय में, एक दिए हुए समय में कितनी दूरी तय करती है, उसको उस वस्तु की चाल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्पीड कह सकते हैं। जैसे कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि एक बस है, अगर वो एक घंटे में, तो हम देखते हैं अगर एक कार 50 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, डेट मीन्स उसकी ये स्पीड है, वो उसकी चाल है। उसकी चाल क्या है? 50 किलोमीटर पर आर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि पूरे एक घंटे में जो कार की चाल है वो सेम रही होगी। स्टार्टिंग में जब हमने ड्राइव करनी स्टार्ट की, तो हो सकता है कि कार थोड़ी धीरे चली हो, उसके बाद 10 मिनट के बाद उसने स्पीड बढ़ा ली हो, उसके बाद और ज़्यादा स्पीड बढ़ा ली हो या कम कर ली हो। तो इसमें हम इन सब को काउंट नहीं करते। हम ये सिर्फ ये देखते हैं कि उसने एक घंटे में कितनी दूरी तय की। वो एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, मतलब वो उसकी एवरेज स्पीड है या उसकी औसत चाल है। यहाँ पर हम कार की चाल के लिए औसत शब्द का प्रयोग करेंगे कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो कार की चाल है वो औसत चाल है। तो ये सब रीड करने के बाद हम क्या पता लगाते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला आया है। इसके बाद चाल का क्या फॉर्मूला होता है? तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो हम एग्जांपल लेते हैं अभी एक कार की चाल निकालने के लिए। अभी देखिए, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक कार जो है 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है 4 आवर में, 4 घंटे में। तो उस कार की चाल क्या होगी? हमारे पास चाल का क्या फार्मूला था? तय की गई दूरी अपॉन में समय, कि कितना समय उसको लगा। तो आपको पता है 1200 किलोमीटर की उसने दूरी तय की और कितना समय लगा? 4 आवर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर पर आर। तो कार की चाल मतलब कार की स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर पर आर। इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, बट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम इस तरह से कार की स्पीड या चाल या एवरेज चाल, औसत चाल को निकाल सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब समय की माप। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप किस तरह से निश्चित कर सकते हैं कि अब क्या समय हुआ है। पुराने समय में क्या होता था कि जब घड़ी नहीं होती थी तो किस तरह से समय का अंदाज़ा लगाते थे कि छाया को देख, हम केवल छाया को देखकर या फिर किसी और तरीके से अलग अलग हमारे पास वेज होते थे, हम समय का पता लगाते थे। तो ये देखिए, हमें कुछ समय मापने के लिए घड़ियाँ दिखाई गई हैं पिक्चर में, दीवार घड़ी, मेज घड़ी और अंक अंक घड़ी, मतलब डिजिटल क्लॉक। अब हम ये देखेंगे कि प्रकृति की कुछ घटनाएं होती हैं जो हर दिन हर बार मतलब रिपीट होती हैं, तो उससे भी हम जो पुराने टाइम में अंदाज़ा लगाते थे कि क्या समय हुआ है। जैसे कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय एक दिन होता है, तो एक सूर्योदय के बाद जब दूसरा सूर्य निकलता था दूसरे दिन, तो हम उसको एक दिन मान लेते थे। इसी प्रकार अमावस और अगली अमावस आने में 15 दिन लगते हैं। तो इसी तरह हम कुछ हमारे पास और भी जिस थे ऐसे जिससे हम अपना समय मापते थे कुछ अंदाज़ा लगाकर। प्रायः हमें एक दिन में काफ़ी छोटे छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता होती है, कि एक घंटा, 10 मिनट, हमें कुछ छोटे छोटे समय को मापने की भी आवश्यकता होती है जिसको हम सामान्य रूप से घड़ी से मापते हैं। अब हम ये देखते हैं कि घड़ी समय कैसे मापती है। घड़ियाँ जो समय मापती हैं उस गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। जो हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक के अंदर जिस तरह से सुइयाँ घूमती हैं उसको कहते हैं हम आवर्ती गति। इस गति से वो समय को मापती हैं। अभी हम आवर्त गति को दिखाने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे। हम आवर्त गति को दोलन गति भी कहते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना है। क्या है, एक स्टैंड है, एक हमने थ्रेड से एक धातु का गोला, जिसको हम गोलक कह सकते हैं और लोलक भी कह सकते हैं, इसको एक थ्रेड से और एक स्टैंड के थ्रू बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी हमने तीन पोजीशन ले ली, मिड पोजीशन और ये ए और ये बी। हम इस जो धातु का जो मेटल का गोला है इसको पकड़ के यहाँ लेके आएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि बी से ओ तक गति होगी। इस पहले हम ओ तक था, ये मिड पोजीशन में था, हम यहाँ ले गए बी पर और उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो ये बी से ए पर गया और वापस ए से ओ तक आया। तो इसको एक पूरा चक्कर काटने में, एक पूरा राउंड लेने में जो समय लगा उसको हमने मापना है। बट ये समय सेकंड्स में होता है जिसको मापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, बट जो इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया है इसको हम बोलते हैं इसकी दोलन गति, आवर्त गति भी कह सकते हैं हम इसको। और उसे इसको हम एक राउंड जितना कंप्लीट करने में जो इसको टाइम लगा उसको हम बोलेंगे इसका आवर्त काल। अब हम मापेंगे कैसे, देखिए, इसी तरह से जब हमने इस गोलक को छोड़ा यहाँ से, इसने एक राउंड लिया, इसी तरह हम काउंट कर लेंगे कि मान लीजिए हमें 20 राउंड लेने हैं, तो 20 राउंड लेने में जितना समय लगा हम उसे काउंट कर देंगे, उस टाइम को हम नोट करेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, हमारे पेज नंबर 156 पर एक हमने डोरी की लंबाई ली थी 100 सेंटीमीटर, जो ये डोरी है। 20 दोलनों के लिए लिया गया समय, मतलब 20 राउंड कंप्लीट करने में उसने 42 सेकंड लिए, तो उसका आवर्त क्या होगा। इसने 42 सेकंड लिए हैं 20 दोलनों को कंप्लीट करने में, तो हम इसको 42 सेकंड को 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारा टाइम आएगा 2.1 सेकंड। मतलब एक दोलन, एक राउंड कंप्लीट करने में जो समय लिया, एक आवर्त काल का समय है 2.1 सेकंड। इस तरह से हम आवर्त काल का समय माप सकते हैं। और आज के टाइम में जो मोस्टली घड़ियां होती हैं वो एक या दो सेल से चलती है, मतलब उसमें एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को हम क्वार्टर घड़ी कहते हैं और इसमें जो समय दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक होता है, मतलब एग्जैक्ट होता है। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।